हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज हम लेके आ गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जॉब एप्लीकेशन के बारे में जर्मनी में। और मैं उन बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ जो बहुत सारे लोगों ने जॉब से रिलेटेड मुझसे पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत दो अच्छे वीडियो बनाए हैं फॉर जॉब एप्लीकेशन इन जर्मनी, और मुझे लगता है कि वो वीडियो देख के आप अपना जॉब एप्लीकेशन तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो है हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब इन जर्मनी फ्रॉम इंडिया, और सेकेंड है माई जॉब इंटरव्यू प्रोसेस इन जर्मनी। तो सबका वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं, चलिए। तो आप जैसा देख सकते हो थोड़ा वाइट वाइट आपको मे भी कैमरा में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, पर हमने सोचा कि कोई नहीं, फिर भी हमें वीडियो तो बनाना ही है, तो हम अपने घर के गार्डन में ही वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि वर्क मस्ट गो ऑन चाहे जैसा भी मौसम रहे। तो चलिए आप काम की बात पर आते हैं। तो जब आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो रिक्रूटर से आपको कम्युनिकेट करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आपका CV, दूसरा तरीका होता है कवर लेटर। तो ये दोनों पे आप मैक्सिमम ध्यान दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले चलिए हम बात करते हैं CV की। तो CV आपको यूरोपास फॉर्मेट में बनानी है, एक प्रोफेशनल फ़ोटो होनी चाहिए, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो अप्लाई फॉर जॉब इन जर्मनी फ्रॉम इंडिया आप देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल फॉर्मेट वगैरह सब दिया है। पर कुछ चीज़ें जो मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगी कि जब आप अपना CV बनाते हो तो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ब्रीफ में आप अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री और कोर्स के बारे में बता सकते हो, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिग्री को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हो आप अपने यूनिवर्सिटी में जो आपने किए हैं, एक ये चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स है या फिर कुछ चैरिटी या कुछ NGO से आप जुड़े हो, तो मेक श्योर कि आप उसको मेंशन करो, क्योंकि वो आपके रिज्यूमे को एक और स्टार ऐड कर देगा, ठीक है। और एक और चीज़ आप कर सकते हो अपने CV में, अगर आपको A1 लेवल भी आती है जर्मन तो आप मेंशन करो, या अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया है कि आई हैव स्टार्टेड लर्निंग, देन ऑल्सो मेंशन, क्योंकि कुछ नहीं से बेटर होता है कुछ। तो कुछ भी अगर आपको जर्मन आती है थोड़ी बहुत भी, तो आप फील फ्री टू मेंशन इट, इट्स ऑलवेज कंसिडर्ड। तो ये हो गया हमारे CV से रिलेटेड कुछ टिप्स। अभी हम आते हैं कवर लेटर पे। तो कवर लेटर हमारा वो लेटर है रिक्रूटर को कि वो आपको उसको कन्विंस करना है कि वाई दे शुड हायर ओनली यू, वाई यू आर द ओनली कैंडिडेट जिसको वो हायर करे, बाकी क्यों नहीं, ठीक है। तो हमें उनको कन्विंस करना है। तो कवर लेटर मेजरली फोकस होने चाहिए दो पॉइंट्स को लेकर। पहले आप उनको बताओ कि मेरी --- ये स्किल्स हैं, ठीक है, ठीके? और दूसरे पार्ट में आप ये बताओ कि क्यों मेरी स्किल्स आपके जॉब को के लिए बेनिफिशियल हैं, एंड व्हाई यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर देम। तो आपको कन्विंस करना है अपने स्किल्स को के थ्रू सपोर्ट करके, खुद को आपको डिफेंड करना है कि आप ही राइट कैंडिडेट हो उनके जॉब के लिए। तो यही होता है कवर लेटर। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक कवर लेटर बना लिया अब लगे चेपने हर जॉब पे, ठीक है, ये नहीं करना है। बिकॉज आप सीरियस हो अगर अपने जॉब एप्लीकेशन के लिए, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर जॉब की जैसे रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो हर जॉब के लिए आपका कवर लेटर भी आप उसी हिसाब से बनाइए, ठीक है। ये हो गया एक टिप। और कवर लेटर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी जल्दी से मतलब पढ़ ले, ये नहीं कि उसको लगी राम गाथा पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है। ये हो गया है कवर लेटर से रिलेटेड जो मुझे बोलना था। अभी मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें ऑटोमेटेड मेल्स आते हैं, सभी को आते होंगे, मेरे भी मेल्स भरे हुए हैं ऑटोमेटेड मेल से। तो उसके लिए आप एक जो टिप यूज़ कर सकते हो वो ये है कि जैसे आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली कुछ स्किल्स मैचिंग होगी आपसे, तभी अप्लाई कर रहे हो, आपके रिज्यूमे में भी वो स्किल्स होंगी। बट ट्राई टू मैच द सेम कीवर्ड फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन इन योर CV। तो उन कीवर्ड्स को आप अपने CV में डालिए, बिकॉज कई केसेस में क्या होता है कि मैनुअली कोई जाके आपका CV नहीं चेक करता है, आपका ऑटोमेटेड CV चेक होती है। तो उस केस में
फर्स्ट हैंडली आपका सीवी को जो भी मशीन हो वो सिलेक्ट करे, उसके लिए वो कीवर्ड्स होने चाहिए। तो ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो जर्मनी में जॉब अप्लाई करते वक्त और बाकी कंट्रीज़ में भी जॉब अप्लाई करते वक्त, तो इस टिप को ध्यान रखिएगा, मैंने भी किया था ये चीज़। तो अभी तो हो गया कवर लेटर और आपका सीवी, ठीक है। तो अगली जो चीज़ है जिससे आप रिक्रूटर से कम्युनिकेट करते हो या जिससे रिक्रूटर आपको जज करता है, वो है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी नहीं है मैं बोलूँगी कि आज बैठे अब लगे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करने, कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे थिंग, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल एवरी डे, धीरे धीरे करके वर्क करना है। और कैसे वर्क करना है उसके मैं आपको तरीके बताती हूँ। जैसे कोई भी आपकी स्किल हो, किसी भी आप फील्ड में हो, उस फील्ड के ऑलरेडी लोग होंगे राइट लिंक्डइन पे, ठीक है। तो उन स्किल के लोगों को आप जाके देखिए जो ऑलरेडी जर्मनी में काम कर रहे हैं, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल आप देखो और ट्राई टू टेक पॉजिटिव पॉइंट्स फ्रॉम देयर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड उसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो और धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। टाइम लगेगा, 1-1.5 महीने लगेंगे, पर उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि भले आपका आपको कॉल लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू ना आया हो, बट स्टिल आपका मैनेजर या आपके कलीग्स जाके आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं और आपको जज करते हैं। इसीलिए प्लीज़ लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ नॉट योर टिपिकल सोशल मीडिया। तो उस पर आप क्या शेयर करते हो तो प्लीज़ उस पर ध्यान रखिए, ऐसे कुछ भी मत शेयर कीजिएगा लिंक्डइन प्रोफाइल पे, क्योंकि उससे वो एक जजमेंट बनाते हैं और आपके पास हिस्ट्री को भी देखते हैं। और एक और चीज़ आप कर सकते हो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए, आस्क फॉर रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्रीवियस कलीग्स, प्रीवियस मैनेजर्स, फ्रॉम योर करेंट कलीग्स। जाके सबको भेजो, सेंड मी अ रिकमेंडेशन। आप मुझे पता है थोड़ा लगता है बुरा, और ज़्यादा बुरा लगता है जब ये लोग जो मतलब हमारे बड़े सो कॉल्ड फ्रेंड्स बनते हैं और फिर रिकमेंडेशन में बोल के हाँ दे दूंगा और करके भूल जाते हैं, बुरा लगता है। बट हमारा काम है बोलना, सबको जाके बोलो कि गिव मी अ रिकमेंडेशन, और वो आपको रिकमेंडेशन देंगे तो आपके प्रोफाइल पे वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल इम्प्रूव करो। और कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि हम कैसे अपना मतलब हमारे कुछ करेंट स्किल्स हैं, अब मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या स्किल इम्प्रूव करूँ। तो इसका भी आंसर आपका आपकी जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो और लिंक्डइन प्रोफाइल में भी इसका ही आंसर है। जैसे आपका कोई भी स्किल है, अब आप जॉब्स पे अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपके सारे स्किल्स तो मैच नहीं करेंगे। अगर 70% भी आपके स्किल्स मैच करते हैं, यू आर गुड टू गो एंड अप्लाई। बट कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली हर जॉब में मांग रहे हैं बट आपके पास नहीं है, तो बस उसी समय अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और उन स्किल्स पे काम करो। सारे स्किल देखो नहीं कर सकते, ये नहीं कि AWS भी सीख लिया, DevOps भी सीख लिया, ये सीख लिया, वो सीख लिया, सब नहीं सीख सकते। तो एक स्किल एट अ टाइम पे फोकस करो और धीरे धीरे करके अपना स्किल डेवलप करो। टाइम लगता है तो आपका स्किल डेवलप होगा, ऐसे ही अपने स्किल्स को डेवलप करो। तो ये तो हो गए कुछ टिप्स जो मैं देना चाहती थी। और अभी मैं बात करना चाहती हूँ कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत सारे लोगों हमसे पूछते हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी होंगे, ठीक है। तो हम चलिए उस पर शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया वो ये है, इज़ जर्मन इम्पॉर्टेंट टू गेट अ जॉब इन जर्मनी। तो येस, जर्मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ जॉब इन जर्मनी, बट हम ये नहीं बोल सकते कि बिना जर्मन के आपको जॉब नहीं मिल सकती है, बिकॉज आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसको बिना जर्मन जाने जॉब मिली है। तो इसीलिए येस यू कैन गेट, बट आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कट होके सिर्फ 10% बचती हैं अगर आपके पास जर्मन स्किल्स नहीं हैं। तो यस, जिस भी लेवल पे आप हो, स्टार्ट लर्निंग जर्मन और उसको अपने रिज्यूमे सीवी पे इम्प्रूव करो। और ऐसा नहीं है कि अभी जर्मन नहीं आती तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई आप आज से ही करेंगे और साथ में साथ जर्मन सीखते रहेंगे। और जो दूसरा मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगा सच में ये बहुत ही सिंपल इसका आंसर है बट कई बार दिमाग में नहीं आता है, तो उस पर फिर भी मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मेरी ये स्किल है, जो भी स्किल है आपकी, ठीक है, क्या मेरे स्किल का स्कोप है या नहीं है, क्या मुझे जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो इसका आंसर आप खुद ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो कैसे ढूंढोगे आप कि जो भी आपकी स्किल है, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, जिंग, स्टेपस्टोन, ग्लासडोर और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अपना गूगल जिंदाबाद, ठीक है, उनकी हेल्प लीजिए। जो भी आप स्किल है वहाँ पे आप जाके वो स्किल टाइप कीजिए
और मोस्ट केसेस में आपको कुछ जॉब लिस्टिंग मिलेंगी, ठीक है? उन जॉब लिस्टिंग को जाके आप देखो, स्टडी करो, देखो कि उसमें क्या क्या स्किल्स डिटेल में मांग रहा है, क्या वो स्किल्स आपके पास है. और आपको ऐसा ही हर जॉब के साथ देखना है, और एक दिन में नहीं आपको पता चलेगा. ग्रेजुअली आप मे बी 10-15 दिन 20 दिन आप जॉब्स को देखते रहो, एनालाइज करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके जो स्किल है उसका क्या डिमांड है मार्केट में. और दूसरा, आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको फर्स्ट हैंड में एक रफ आइडिया चाहिए, ठीक है? तो ऐसे आप पता कर सकते हो आपकी स्किल की क्या डिमांड है, आपको आंसर खुद मिल जाएगा. और एक अगला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा वो है कि एज अ फ्रेशर कैन आई अप्लाई फॉर जॉब इन जर्मनी. तो आंसर है येस, यू कैन अप्लाई फॉर जॉब इन जर्मनी एज अ फ्रेशर फ्रॉम इंडिया. अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप फॉर जॉब सीकर वीज़ा, तब आपको एक्सपीरियंस चाहिए. तो येस, इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली गो एंड अप्लाई. लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ अप्लाई करने के लिए आप इंडिया में कोई जॉब मत लो. जॉब आप इंडिया में ले लो, साइड बाय साइड यहाँ पे अप्लाई करो, साइड बाय साइड जर्मन सीखते रहो, ये तीनों को आप पैरेलली चालू करो. एंड ऑल द बेस्ट. अगला जो क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोगों ने पूछा वो ये है कि यहाँ पे एज लिमिट है क्या कुछ जॉब अप्लाई करने की. तो ऐसा कुछ खास एज लिमिट नहीं है. अगर आप रिटायरमेंट के एज तक नहीं पहुँचे हो, जो यहाँ पे 65 to 67 ईयर्स होती है, तो येस यू कैन अप्लाई. मेरे ही कितने सारे कलीग्स हैं जो 60+ हैं और जॉब कर रहे हैं. तो कोई भी आपकी एज हो तो येस, गो फॉर इट एंड अप्लाई, इट्स नेवर टू लेट. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या गेटिंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री इन जर्मनी इंक्रीज योर चांसेस फॉर गेटिंग अ जॉब इन जर्मनी. येस, इट डेफिनेटली डज, बिकॉज रिक्रूटर डजेंट हैव टू गो थ्रू ऑल दोज हेजल्स. उनको वो सब नहीं पढ़ना है आपके वीज़ा वगैरह में. आप तुरंत अवेलेबल हो गए, उनको कोई भी वो फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ना है. तो येस, इट इंक्रीजेज योर चांस फॉर गेटिंग अ जॉब इन जर्मनी रादर देन बींग आउटसाइड जर्मनी. सो इट डज. तो बस ये मेनली क्वेश्चंस थे. और मैं कुछ एडिशनल आपको बोलना चाहती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं. मुझे पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत सारे लोगों को ऑटोमेटेड मेल्स आते हैं, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं. बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि हम अब नहीं हो रहा है, बट स्टिल क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है. मैं तो यहाँ पे आके मैंने जॉब ढूंढा, फिर भी मुझे 4 महीने तक सेम ऑटोमेटेड मेल्स आए. बट वी कांट गिव अप. और ऐसा बिल्कुल मत सोचे आप कि जब जॉब का वो आएगा, इंटरव्यू आएगा, तब हम तैयारी करेंगे. नहीं, एक ही दो इंटरव्यू में आपको उसको क्रैक करना पड़ेगा. मैंने भी अपना जॉब जिस जॉब में मैं करेंटली जॉब कर रही हूँ, सेकेंड इंटरव्यू में मैंने अपना जॉब क्रैक किया. अगर मैं बैठी रहती कि भाई जब आएगा तब आएगा, तब मैं तैयारी करूँगी, तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. इसलिए हमको अपना काम स्टार्ट करना है. और अगर आपको एक भी इंटरव्यू कॉल आया है तो मैं बोलूँगी आप बहुत लकी हो, इस मतलब आपके लिए एक रे ऑफ होप है. तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं कीजिए. फोकस ऑन व्हाट यू कैन रादर देन व्हाट यू कांट. और सिर्फ जर्मनी में नहीं, बाकी जगहों पे में भी अप्लाई करते रहिए. और जहाँ पे आप करेंटली हैं वहाँ पे खुश रहिए, रखिए, एंड ऑलवेज एम फॉर हाई. तो होप कि मैंने मोस्ट ऑफ द टिप्स आपको जो मैं देना चाहती हूँ दे दी होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आंसर कर दिए होंगे. और अभी भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब इन जर्मनी, देन यू आर मिसिंग आउट समथिंग. वो प्लीज़ जाके देखिए और आप रिग्रेट नहीं करोगे. तो बस इतना सा था हमारा आज का वीडियो. होप कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं दे फाइंड सक्सेस वेरी सून, एंड आई सी यू सून अगेन. और मैं एक थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ उन लोगों को जिसने हमारे प्रीवियस वीडियो को इतना सारा सपोर्ट और प्यार दिया. ऐसे ही हमारे वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए. और जब ये स्नोफॉल में थोड़े थोड़े ड्रिजल स्नो हो रही है तो वीडियो बना ही लिया है, तो थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं. मैं चली एंजॉय करने और आप जहाँ हो वहीं एंजॉय करो. बाय बाय.